अब उन्हीं से पूछ लीजिए उनको क्या जल्दीबाजी है, ये बात तो उन्हीं से पूछना चाहिए, मैं क्यों बताऊँ। देखिए ऐसा है, देश में कानून है, संविधान है, उससे बाहर कोई नहीं जा सकता। और इसके विरुद्ध में जो जाता है परिणाम भी भुगतता है। देखिए ये सब गिदड़ बपकी है, ये हम लोग अपवाद नहीं है। आज के दिन में जो राजनीतिक परिभाषा भारतीय जनता पार्टी गढ़ने का प्रयास कर रही है, कहा था ना ये बचपन में बच्चे जब खेल खेल में कोई हार जाता है तो विकेट टिकेट बॉल वो लेके भाग जाता है टाइप से, उसी टाइप से जब राजनीतिक बैटल ग्राउंड में ये नहीं सकते हैं तो अपने मिशनरीज का जिस तरीके से इनके लिए सदुपयोग शब्द बेहतर होगा, जो इनको लगता है कि हम इससे पार पा लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं और ना होगा। और जो राज का अधिकार है हम केंद्र से मांगते रहेंगे और अपना अधिकार लेके रहेंगे। अधिकार को लेकर ये खामियाजा मुद्दा पड़ रहा है क्या? आप एक तरफा आप लोग देखते हैं, थोड़ा दायरा को देखने का पॉजिटिव दायरा भी रखिए, नेगेटिव दायरा देखने के लिए बहुत कुछ। का मतलब ये लगातार आप आवाज बुलंद करते रहे हैं केंद्र की नीतियों के खिलाफ, गलत चीजों के खिलाफ, कहीं उसका ये परिणाम तो नहीं है? अब परिणाम क्या चीज का है, इनका उद्देश्य क्या है, ये तो पता ही है। 20 वर्षों में तो इन लोगों ने कुछ किया नहीं, क्योंकि 20 वर्षों के बाद इन लोगों ने राज का सबसे बड़े दल का दर्जा भी खोया, सत्ता भी खोई, तकलीफ तो होनी है। और एन केन प्रकारन जुगत लगा रहे हैं, लेकिन चिंता ना करें, सरकार पूरी मजबूती के साथ अपना काम करेगी। जेपीएससी का सीबीआई इंक्वायरी भी चल रहा है, आज तक क्या परिणाम निकला? जो ये अपने एजेंसियों का बहुत पीठ थपथपाते हैं, अब तो वो दिन दूर नहीं, मुझे लगता है कि सरपंच मुखिया के ये में भी ये पहुंचेंगे ईडी जांच करने के, इनका स्तर अब ये वहां तक ले जाने की तैयारी कर। सर आप थोड़े अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।